तो गाइस मुझे पता है कि पबजी द न्यू स्टेट काफ़ी ज़्यादा लैग दे रहा है। इवन मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स अल्ट्रा प्रो मैक्स 100 GB करोड़ 1 करोड़ GB स्टोरेज वगैरह के अंदर भी बहुत ज़्यादा लैग दे रहा है, तो क्या कर रहे हैं? ओके सो गाइस, तो मजाक से हट के अपन बात करते हैं अभी। तो हे गाइस, कैसे सबके सब, वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि पबजी द न्यू स्टेट जो गेम आया है वो काफ़ी ज़्यादा लैग दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्लीचेस वगैरह है उसके अंदर। तो ये सब कुछ सीन क्या है, अर्ली एक्सेस के अंदर तो लैग नहीं हो रहा था, ये सब कुछ क्या है और लैग फिक्स वगैरह कैसे होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर से देखना। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये गेम लैग क्यों दे रहा है एक्चुअली। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट आता है ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड पॉइंट आता है सर्वर। सो गाइस, सबसे पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो गाइस ऑप्टिमाइजेशन, तो गाइस ऑप्टिमाइजेशन का सीन कैसा है, अभी ऑप्टिमाइज गेम एक्चुअली है बट जो सर्वर्स वगैरह ना ये गेम के ऊपर जो लोड आया ना, अभी जो डाउनलोडिंग वगैरह हो रहा है, 10 मिलियन यूजर्स वगैरह जितने भी डाउनलोड्स हो रहे हैं सर्वर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आ चुका है। एंड ये ग्लोबल लॉन्च है एक्चुअली, तो मतलब सर्वर जितने भी लोकेटेड है एक्चुअली ज़्यादा सर्वर्स इन लोगों ने अलॉट करने चाहिए थे। एंड अगर ज़्यादा सर्वर्स अलॉटेड होते, ऑप्टिमाइज सर्वर्स अगर होते तो ये लैग हमें देखने को नहीं मिलता। बट फिलहाल के लिए हम बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन गेम क्या ही ज़्यादा ही एकदम हाई लोड लेता है, हाई मतलब डिमांड करता है क्या। तो गाइस ये गेम ज़्यादा भी हाई एंड डिमांड नहीं करता, मतलब हाई एंड ग्राफिक्स वगैरह की, हाई एंड ग्राफिक्स तो है बट इतने ज़्यादा मतलब कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ नहीं करवाता अपने फ़ोन के। अगर आप हाई पे खेलते हो तो एक्चुअली हाफ मतलब हाफ नहीं आप होता है वो आप ना मतलब होगा कि आपको यूज़ करना पड़ेगा अपने फ़ोन का फुल पोटेंशियल। बट अभी आप देखोगे कि पबजी न्यू स्टेट जो है आईफोन्स वगैरह के अंदर भी लैग दे रहा है। तो गाइस ये क्यों, आईफोन्स के अंदर तो A15 A12 वगैरह जो भी बायोनिक चिप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर भी लैग क्यों दे रहा है। इवन आईपैड के अंदर भी मतलब M1 जो चिपसेट है उसके अंदर भी लैग दे रहा था, हल्का सा स्टटरिंग वगैरह देखने को मिलता है। तो गाइस ये क्यों दिखता है, तो गाइस सबसे बड़ी बात है अपना सर्वर्स। तो गाइस ये सर्वर्स का जो लैग है आपको पहले ही दिन से देखने को मिलता होगा। एंड एक्चुअली हम ये कंसिडर भी कर सकते हैं क्योंकि ये नया गेम है, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होने के लिए टाइम लगता है। इवन पबजी एंड अपना पबजी कोरिया या फिर अपना ये पकड़ लो अपने जो BGMI को ही देख लो, 2 महीने तो लग चुके थे ऑप्टिमाइज होने के लिए। इवन अभी भी थोड़ा थोड़ा लैग वगैरह देता है, कुछ कुछ डिवाइसेस के अंदर अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं होता है। कुछ कुछ केसेस के अंदर ऐसा रहता है कि आपके फ़ोन की गलती होती है एंड कुछ कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि आपके सर्वर्स वगैरह या फिर नेट इशू काइंड ऑफ वैसी चीज़ें होती है। तो गाइस अभी हम बात करेंगे थियोरेटिकली, तो थोड़ा सा अभी फ़ोन की बात करेंगे अभी। तो फ़ोन के अंदर क्या होता है गाइस, तो ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं वो फ़ोन के आपके आउटडेटेड होते हैं कभी कभार, मतलब ये बहुत रेयर होता है। फ़ोन के अंदर इतना कुछ ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि फ़ोन के अंदर रेगुलरली अपडेट्स वगैरह आती रहती है, क्योंकि आपकी फ़ोन की कंपनी जो होती है, जो भी आपका UI वगैरह होता है उसको रेगुलरली अपडेट किया जाता है एंड अच्छे खासे सब कुछ अप टू डेट रहता है फ़ोन के अंदर। तो अभी सबके पास डेटा वगैरह है तो ऑलमोस्ट सबके पास अप टू डेट रहता है सबका फ़ोन। सो अभी अपन बात करेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर, सर्वर इशू। तो गाइस सर्वर इशू के पीछे 2-3 रीजंस होते हैं। सबसे पहले एक तो आपका सर्वर सस्ता होगा, सेकंड आपके सर्वर के ऊपर एकदम ही ज़्यादा लोड आ चुका होगा, मतलब जितना उसकी कैपेबिलिटी है उससे भी ज़्यादा इशू वगैरह, मतलब उससे भी ज़्यादा अपना लोड आ चुका होगा। तो तीसरा पॉइंट आता है दोनों का कॉम्बिनेशन एक्चुअली, अगर आपका सर्वर सस्ता भी है एंड लोड भी ज़्यादा आ चुका है तो उसके कारण होता है। तो गाइस ऐसे मल्टीपल रीजंस होते हैं सर्वर के लैग के पीछे। तो सर्वर का लैग वगैरह ये एकदम पे टेम्पररी होता है, ये काफ़ी कम समय तक रहता है, मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब तक ज़्यादा सर्वर्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे, कब तक मतलब ये सर्वर्स को ऑप्टिमाइज वगैरह करेंगे, ये तब तक होता है लैग वगैरह। यूजुअली ये अपडेट्स वगैरह के साथ धीरे धीरे ये लैग फिक्स किया जाता है। सो गाइस सर्वर लैग के एग्जांपल्स को जानने से पहले मैं आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव वगैरह या फिर पसंद वगैरह आए तो लाइक वगैरह कर सकते हो, अगर बिल्कुल भी पसंद नहीं आए या फिर पसंद नहीं आए आपको तो बिंदास से डिसलाइक कर सकते हो, थैंक यू, चलेगा। चलो अभी बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो गाइस अभी एग्जांपल्स हम देखेंगे। सो सबसे पहले ही दिन हमें दिख रहा था कि सर्वर वगैरह इंस्टॉल वगैरह मतलब सर्वर अनेबल टू कनेक्ट वगैरह था, एंड दूसरे दिन भी हमें देखने को मिला, आज के दिन भी हमें देखने को मिल रहा है कि बीच में ही गेम क्रैश हो रहा है, बीच में ही हमें मैच से बाहर निकलना पड़ रहा है, मतलब अनेबल टू कनेक्ट द सर्वर वगैरह, ऐसे इश्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। ये थोड़े से ही टेम्पररी होते हैं मतलब ये, एंड अभी अपन बात करेंगे कि ये सोल्यूशंस वगैरह क्या, ये लैग फिक्स का ये लैग वगैरह के सोल्यूशंस वगैरह क्या निकलेंगे। सो सॉल्यूशन नंबर 1 हमारा है आपकी ग्राफिक्स वगैरह कम कर लो, अगर आप हाई ग्राफिक्स वगैरह पे खेल रहे हो तो वो कम कर लो। अगर हार्डवेयर वाइज अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन की कैपेबिलिटी नहीं है तो एक काम करो, आप बस हार्डवेयर वाइज अपने मतलब जो ग्राफिक्स वगैरह है उसे कम कर लो, अपने फ़ोन के हिसाब से रखो, मतलब आपके प्रोसेसर वगैरह के हिसाब से रखो। सॉल्यूशन नंबर 2 आपको करना है वेट।
मतलब कि आपका आपको पता है कि आपका फ़ोन वगैरह है एकदम हाई एंड, आपका फ़ोन है मतलब वन प्लस 9 प्रो, अल्ट्रा प्रो मैक्स, और है आपका आईफोन 14 प्रो मैक्स, 100 करोड़ GB RAM, तो ऐसा अगर फ़ोन आपका है तो भाई मतलब आपको करना है वेट, क्योंकि आपका ये इशू नहीं है, आपके गेम के सर्वर्स का इशू है। तो मतलब आपको बस वेट करना है, ये धीरे धीरे अपडेट्स वगैरह देंगे, ये गेम की इशू है गाइस। अभी फ़िलहाल के लिए गेम की इशू भी नहीं बोल सकते, हमें वेट करना चाहिए थोड़ा, पहले ही दिन इतना मतलब नई एक्सपीरियंस मिलता है हमें एकदम 4K गेम प्ले वगैरह की। धीरे धीरे थिंग्स टेक्स टाइम, भाई पता है ना तुम लोग को, वैसा ही सीन है ये, एंड धीरे धीरे सब कुछ ऑप्टिमाइज़ वगैरह हो जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ कि ये कब तक ऑप्टिमाइज़ वगैरह होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है वेट, अभी देखते हैं कि कब तक ये सर्वर्स वगैरह ठीक से ऑप्टिमाइज वगैरह होते हैं, कब तक ये गेम के ग्लिचेस बग्स वगैरह जो है सॉल्व वगैरह नहीं करते गेम के क्रिएटर्स जो कि है क्राफ्टन। तो ये जब तक ये काम नहीं करते उस चीज़ के ऊपर, एंड एक्चुअली उन लोगों ने काम स्टार्ट वगैरह कर डाला है, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है छोटे छोटे 180 MB, 60 MB, 50 वगैरह जो भी MB's के अपडेट्स वगैरह वो लोग पोस्ट कर रहे हैं अपने प्ले स्टोर के ऊपर, और हमें अपडेट करने के बाद अच्छा खासा थोड़ा बहुत इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस मिलता है गेम की तरफ से, अच्छा खासा मतलब गेम थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अभी ये धीरे धीरे करेंगे, अभी फिर भी हम मैक्स टू मैक्स में, वैसे पिछली बार BGMI के टाइम पे बोला था कि जल्दी हो जाएंगे, इसके लिए मैं अभी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ आपको कि मैक्स टू मैक्स पकड़ लो, 2 महीने पकड़ लो आप एकदम ठीक से होने के लिए। बट मैं आपको पता है ना, मैं ज़्यादा जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप मुझे ही बोलोगे नहीं तो ये जल्दी अगर हुआ नहीं तो, और अगर जल्दी हुआ तो आप बोलोगे भाई ये जल्दी होगा तेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, ऐसा इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं, हम बस एज्यूम कर रहे हैं, मुझे इसके अंदर कुछ भी पता नहीं है कब तक होगा वगैरह तो यही है भाई, मतलब यही है और कुछ नहीं, एंड आपको बस वेट करना है, आपका फ़ोन भी सपोर्ट वगैरह करेगा। एंड अगर आपका फ़ोन है रियल मी 6 एंड आपके UI का प्रॉब्लम, मतलब कि जैसे कि हमें देखने को मिल रहा था एंड्रॉयड 11 के अंदर काफ़ी ज़्यादा लैग वगैरह दे रहा था, एंड फिर उसके बाद एक अपडेट आया C10, उसके अंदर थोड़ा सा फिक्स वगैरह हुआ था BGMI का था, तो ऐसे ही है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा रियल मी 6 अगर आपका 1.5 साल पुराना हो चुका है, 1 साल पुराना हो चुका है, तो आप मोस्टली कस्टम रॉम वगैरह इंस्टॉल कर लो, बट एकदम भी ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि भाई आपके ऊपर है, और ठीक से करना, कॉशन के साथ करना, वरना कुछ हो गया तो भाई मुझे बोलोगे कि समझ लो, ठीक से करना, एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेके ही करना, मैंने तो कर डाला, मैंने पिक्सल एक्सटेंडेड के ऊपर खेल रहा हूँ, और ये जो गेम प्ले आपको दिख रहा है मैं एकदम HD ग्राफिक्स वगैरह पे खेल रहा था, अल्ट्रा ग्राफिक्स पे खेल रहा था ये, एंड ये अर्ली एक्सेस के टाइम पे था, मतलब अर्ली एक्सेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम लोड था सर्वर्स के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा गेम चल रहा था। तो बस यार यही हमारा आज का वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक वगैरह कर सकते हो, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दो, एंड चैनल का कंटेंट एक बार चेक कर लेना, एंड वो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो फिर, तो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप गेमिंग ऑलवेज, आई एम सेइंग आउट, पीस आउट।